जाता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं YouTube के मैन परांग को रोटेट आउट करते हुए यहाँ पे फाइट होता हुआ एश शॉट्स लेके डार्ली की तरफ, शायद थोड़े से जल्दी शॉट ले लिया बट स्काउट ने बहुत ही बेहतर नॉक कर लिया है डार्ली को विद दैट उजी एंड इंस्टेंटली उनको फिनिश ऑफ करना चाहेंगे बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे आई थिंक लेवल वन का ही हेलमेट एंड स्काउट कमिंग विद दैट सेकंड नॉक नॉकिंग डाउन हेडिस एंड यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन खेल रहे स्काउट नेड फेंकते हुए बट वो नेड कनेक्ट नहीं कर पाएगा रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा बट यहाँ से फॉलो अप कैसे करेगी टीम फनाटिक, क्या यहाँ पे टीम फनाटिक पुश करने वाली है? यस टीम फनाटिक स्काउट यहाँ पे पुश कर चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे उजी है क्लोज रेंज फाइट लेने के लिए तैयार है स्काउट एंड देखते हैं यहाँ पे चॉपर की तरफ स्प्रे डाउन करते हुए बट स्प्रे नहीं कनेक्ट कर पाए एंड यहाँ पे रोटेट आउट करते हुए देखते हैं यहाँ पे चॉपर पे स्प्रे डाउन करते हुए एश का और रौनक का बहुत ही बेहतरीन बैकअप एंड बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है अभी टीम फनाटिक एंड लास्ट जो बचे टीम एफएफक्यू के टाका काफी दूर हो चुके हैं अपने स्क्वाड से बट आई थिंक यस ऑल द थ्री किल्स वेंट टू स्काउट, स्काउट टेकिंग थ्री किल्स फॉर हिज टीम एंड एक्सीलेंट स्ट्रेटजी, आई एम प्रीटी श्योर कि यू नो व्हेन इट कम्स टू ब्रिज कैंप नो वन डज इट बेटर देन स्काउट, स्काउट का बहुत ही बेहतरीन ब्रिज कैंप रहता है एंड यहाँ पे उसके कॉल ने अपने टीम को डेफिनेटली एक यू नो एडवांटेज दिलाया, वहाँ पे एफएफक्यू के टाका नीचे कूद रहे हैं बट आई डोंट थिंक वो उनको ज्यादा हेल्प करेगी एंड यहाँ पे स्काउट कमिंग नेट किया, यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इस फनेटिक के चारों प्लेयर्स अलाइव एच है एंड वहाँ पे स्काउट ने ऑरेंज के पीओवी को नॉक किया, स्काउट एक रन में ऑलरेडी अपने टीम के लिए 5 किल निकाल चुका है एंड 6 किल की ओर बढ़ रहा है एंड यहाँ पे स्काउट जिस तरह से अपने टीम के लिए परफॉर्म कर रहा है यस पीओवी को भी कंफर्म करते हुए 6 किल पॉइंट स्काउट ऑलरेडी अपने टीम के ले चुका है एंड क्या बेहतरीन तरीके से अपने टीम के पूरे यू नो खराब सिचुएशन में उनको कैरी कर रहे हैं और XKF ने मिलकर उनको थर्ड पार्ट यू नो सैंडविच किया, वहाँ पे स्काउट ने टीम कह सके आयला को फिर से नॉक किया, स्काउट अलग ही फॉर्म में खेल रहा, ऑलरेडी 6 किल्स हो चुके थे, 7 किल की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे वुमेन एलीट के लिए XKF के पैराबॉय ट्रबल्स क्रिएट करते हुए एंड फनेटिक करेंटली विथ 7 किल पॉइंट्स एंड बेहतरीन गेम प्ले हमें उनके तरफ से देखने को मिल रहा है एंड वहाँ पे आप देख सकते हो जोन से फिनिश ऑफ होते हुए टीम कह सके आयला एंड आई थिंक ये किल पॉइंट भी स्काउट को मिलेगा मेकिंग 7 किल्स फॉर हिम 8 किल पॉइंट्स फॉर फनेटिक इन ऑल एंड यहाँ पे फनेटिक का बहुत ही प्यारा अपॉर्चुनिटी 8 पॉइंट किल पॉइंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं, अगर उनके लिए चिकन डिनर आता है तो दे विल मेक अ मैसिव पुश टुवर्ड्स द नंबर 5 स्पॉट करते हुए देखते हैं यहाँ पे XQF के ऑर्डर अपने आप को हील अप कर रहे हैं, टीम 4M के जीनिये थोड़े से दिक्कत में लग सकते हैं अगर यहाँ पे टीम टेम्पो के प्लेयर्स स्मोक के बाहर आके इनको इजीली स्पॉट कर सकते हैं तो वो हाई ग्राउंड एडवांटेज रहेगा जिसके कारण फिनिश कर सकते हैं बट स्काउट का यहाँ पे नेट जाता हुआ टीम को ऐसे के डेक्सी को नॉक करते हुए मार्को को भी फिनिश कर दिया, स्काउट इज ऑन एब्सोल्यूट फायर थक भाई Yep, with 9 kills in this particular game, and finally DKG के Moxin picks up Scout OP, but and Scout यहाँ पे knock हो चुका है with 9 kills in this game, and Scout को यहाँ पे revival मिल जाए, just pray for that, because जिस तरह से वो इस game में खाली OVS ने वहाँ पे DKG के Crazy को knock किया, Cool Boy ने वहाँ पे Old Boy को knock किया, OVS ने वहाँ पे Crazy को confirm किया, Fnatic यहाँ पे एक chicken dinner कर बढ़ गया, 3v2v1 का situation है, and यहाँ पे बहुत ही प्यारा opportunity है Fnatic के पास, उनके पास एक minor advantage है, उनके सामने XQF और DKG है, and यहाँ पे अगर Fnatic के chicken dinner ले लेते हैं, उन लोग possible में एक बार में top 5 spot की तरफ जाएंगे। एंड देख सकते हो कितने ज्यादा अच्छे स्प्रेड आउट है प्लेयर्स, इस बार थोड़ी सी संयम में लग रही है टीम फनेटिक, दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड यहाँ पे कूल बॉय फाइट लेते हुए टीम डीकेजी के प्लेयर्स का गेस को कंप्लीटली नॉक करते हुए एंड वहां पे फिनिश ऑफ करते हुए पीछे से ओवेस आया पर जिमी ने ओवेस को वहां पे यू नो पकड़ लिया था, कूल बॉय को कवर फायर दिया, नाउ इट्स अ 3v2v1 सिचुएशन, रौनक और स्काउट यहाँ पे कोशिश करेंगे जिमी को पिक ऑफ करने के लिए, नीचे से कवर फायर देंगे, ओवेस का रिवाइव होना हल्का मुश्किल लगा, इन लोग यहाँ पे स्मोक कर पाते हैं तो ओवेस रिवाइव होगा, ओवेस की जी और XQF उनके लिए चिकन डिनर रैंक 1 के लिए कितना इंपॉर्टेंट है एंड फनेटिक के लिए चिकन डिनर इंपॉर्टेंट है इफ दे वांट टू मेक इट टू द टॉप 5। वहाँ पे आप देख सकते हो कूल बॉय ने कार बस्ट किया बट देन उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, वहाँ पे जिमी इग्नोर कर रहे हैं इस फैक्ट को कि राइट में ओवेस हील अप हो रहे हैं, इनके पास शायद नेड्स नहीं होंगे क्योंकि अगर नेड्स होते तो अभी तक ओवेस वहाँ पे कन्फर्म हो चुका होता, बट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल चांस है बट स्काउट यहाँ पे प्ले जोन से नॉक होते हुए एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट होता हुआ टीम फनेटिक के खेमे में बट इट्स नाउ ऑल ऑन टुवर्ड्स रौनक एंड ओवेस बट जिमी ने यहाँ पे ओवेस को भी फिनिश ऑफ कर दिया, टीम एक्स आई थिंक टीम फनेटिक इज डाउन टू देयर लास्ट गाय एंड देखते हैं यहाँ पे कूल बॉय फिनिश ऑफ करते हुए टीम DKG के स्वू को एंड अभी इट्स 2v2 फाइट बट अभी एक प्लेयर जो है उनके नॉक होके हैं एंड रौनक के ऊपर पूरा जो है जिम्मेदारी आ जाता है तो इट्स अ 1v2 फाइट टीम फनेटिक वर्सेस टीम XQF, देखते हैं कौन जीतता है बट इसी के साथ टीम XQF लेती हुई और एक चिकन डिनर बट वी हैव टू गिव इट आउट फॉर आवर बॉयज टीम फनेटिक, व्हाट अ ब्यूटीफुल गेम प्ले था, ऑब्वियसली यू नो XQF की चिकन डिनर होते रहेंगे बट फनेटिक कमिंग अप विद अ वंडरफुल परफॉर्मेंस 13 किल्स एंड अ सेकंड पोजीशन फिनिश
giving them 25 points in this game and बहुत ही बेहतरीन push मिलेगा उनको इस पूरे you know tournament में points table में. उनके पास पिछले game के बाद शायद 7 points थे. This takes them to 32 points. That could be the 6th spot in the tournament. What a fantastic performance of Fnatic. Flawless, top notch and the man scout OP. क्या बेहतरीन gameplay. 10 kill अपने team के लिए अकेले निकाला था. I think he did a fantastic job. पूरे मतलब he made a difference of 10 points. That could have been मतलब वो 10 points इनके लिए you know 10 स्पॉट या 12 स्पॉट से लेके सीधे 6 स्पॉट का डिफरेंस हो सकता है.